सबसे पहले हम राजभाषा डॉट निक डॉट इन वेबसाइट खोल लेंगे। यहाँ देखिए ये सूचना प्रबंधन प्रणाली सुप्र प्रणाली लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट खुल रही है। यहाँ देखिए प्रयोगकर्ता यूजर आईडी आपको एक डालना है, आपकी एक यूजर आईडी कोई ना कोई होगी। यूजर आईडी के बाद डॉट एच ओ रहता है, हिंदी ऑफिसर, अग्रेषित करें। यहाँ आप पासवर्ड डालिए, ये हमने पासवर्ड डाल के फिर से अग्रेषित किया। अब देखिए ये करने के बाद यहाँ देखिए ऊपर आपको दिख रहा है ये भारत सरकार के तीन शेर है, मुख्य इसके बाद तिमाही प्रगति रिपोर्ट है। केवल अप्रैल महीना में रिपोर्ट भाग दो भरी जाती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग एक भरे, फिल क्यूपीआर पार्ट वन, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये सारा विवरण आपका कार्यालय का विवरण वगैरह आ रहा है। यहाँ देखिए दो है तिमाही प्रगति रिपोर्ट, पृष्ठ दो पृष्ठ एक। यहाँ वित्तीय वर्ष आपको लिखना है, 2022-23 चल रहा है, 2022-23 लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से भरना शुरू करेंगे, आपके कार्यालय का नाम वगैरह है, यहाँ 30 जून लिखा हुआ है। कुल जारी कागजात कुल संख्या, मान लीजिए ये धारा 3-3 है, धारा 3-3 में आपको द्विभाषी जारी करना, मान लीजिए मैंने यहाँ 100 लिखा। उसके बाद है द्विभाषी रूप में जारी कागजात, धारा 3-3 में सब द्विभाषी में करना है, केवल अंग्रेजी में 0-0, ये हो गया। उसके बाद अगर आप हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या, मान लीजिए हिंदी में मैंने 100 पत्र प्राप्त किया, इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए, देखिए यहाँ लिखा है, तो 100 में से मान लीजिए मैं 80 लिख देता हूँ। अब बचे कितने, कितने के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, यहाँ 0 हो गया, 100 में से 80 या 20 बचे, तो ये कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे, इसमें हमने 20 लिख दिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद अगर आप लोग ग क्षेत्र के हैं तो अंग्रेजी से प्राप्त पत्रों के हिंदी में दिए जाने, क ख क्षेत्र के लोगों के लिए है, ग के लिए नहीं है, तो 3 का ये ए और बी ये दोनों कॉलम आपके लिए 0 रहेगा, इसमें आप लोग कुछ नहीं भरेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद कॉलम नंबर 4 में चलते हैं। 4 में आपको दिखना है भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा, जैसे मान लीजिए हिंदी द्विभाषी मान लेते हैं हमने 100 पत्र भेजा, केवल अंग्रेजी में हमने 60 भेजा, ये कुल हो गया 160, अर्थात ये हो गया, यहाँ देखिए प्रतिशत लिखा हुआ है 62.50, ये ऑटो कैलकुलेट होता है। ये क क्षेत्र को हो गया, ख क्षेत्र को भी मान लीजिए इसी तरह से, यहाँ देखिए लिखा हुआ हिंदी या द्विभाषी में, तो यहाँ फिर मान लीजिए हम 100 लिखते हैं और केवल अंग्रेजी में मान लेते हैं 20 लिखते हैं, तो ये ऑटो कैलकुलेट करके 83.33 ले लिया। इसी तरह ग क्षेत्र में भी मान लीजिए आपने 100 भेजा है, तो केवल अंग्रेजी में मान लीजिए 10 लिखते हैं, 110, ये 90.91% हो गया। इसके बाद 5वां नंबर है तिमाही के दौरान फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों का ब्यौरा। देखिए फाइलों पर जो टिप्पणियां लिखी जाती है, अमूमन कुछ कार्यालय मानते हैं कि एक पेज में 3 टिप्पणी लिखी जाएगी, कुछ मानते हैं चाहे तो आपके कार्यालय में जैसा माना जाता हो, तो मैं 3 मान करके चलता हूँ। तो मान लीजिए हमने 100 पेज लिखा, अर्थात 300 टिप्पणियां लिखी, तो कुल पेज 100 हो गए। ये हिंदी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, हिंदी में लिखी हुई टिप्पणियों की संख्या है। अब अंग्रेजी में लिखी हुई लिख देते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी में हमने 20 पेज लिखा, तो 120 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, अगले पृष्ठ में चलते हैं। ड्राफ्ट में थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए ड्राफ्ट न करें। अगले पृष्ठ में देखिए तिमाही में आयोजित हिंदी कार्यशालाएं, ये है 6 नंबर। हिंदी कार्यशालाओं में आप लिख दीजिए, मान लीजिए आपके यहाँ 1 कार्यशाला हुई है, अब प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या ये पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ हमारे पास 10 अधिकारी प्रशिक्षित हुए। उसके बाद वाले में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या, मान लेते हैं यहाँ भी 10 लिख देते हैं। उसके बाद कार्यान्वयन समिति की अगर बैठक हुई है, बड़े कार्यालय में होता है, तो यहाँ तारीख लिख देंगे और बाकी चीजें इसमें भर देंगे, हाँ भर देंगे। और मीटिंग जो हुई है एडवाइजरी कमेटी की, यहाँ डेट डाल दें, चूंकि हमारे यहाँ एडवाइजरी कमेटी नहीं है। अब कुछ आपकी उपलब्धि हुई हो वो 10 नंबर, तिमाही के दौरान विशिष्ट उपलब्धियां, अधिकतम 250 अक्षर आप लोगों ने कुछ किया हो तो यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद ये कोड आपको डालना है, या देखिए प्रमाण पत्र भी आजकल अपलोड करना पड़ता है, ये कोड भर देंगे, कोड जो है 421293, ये कोड हमने भरा। और भरने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करें, ये 2रा नंबर, तो आप ये प्रेस करते ही आपके HOD को चला जाएगा। HOD को जाने से पहले, या भेज दिया आपने, अब उसके बाद इसमें आपको एक और काम करना है,
यहाँ देखिए फिल क्यूपीआर पार्ट वन, ड्राफ्ट क्यूपीआर। इसके बाद चूंकि आपने भर दिया, अब प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, तो देखिए नीचे प्रमाण पत्र अपलोड करें। प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवा के पहले से ही आप स्कैन करके आपके कंप्यूटर में रखेंगे। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है वर्ष 2018-19 ऐसे बना हुआ है। अंत में चलेंगे, चौथे पृष्ठ में हम चलते हैं। यहाँ देखिए वर्ष 2021-22 जनवरी और मार्च तक का दिया हुआ है। अब चूंकि 22-23 शुरू हुआ है, तो 22-23 हमने अभी भरा नहीं, भरा होता तो यहाँ 21-22 की जगह 22-23 दिखता। यहाँ देखिए प्रमाण पत्र अपलोड करें, ये है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये ले जाएगा आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंकड़ों की जनवरी से मार्च प्रमाण पत्र। यहाँ चूज ए फाइल लिखेंगे, कोई एक फाइल यहाँ से जहाँ से आपका प्रमाण पत्र है वो क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपलोड का ये बटन दबा देंगे, अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ नीचे दिख रहा है, बस इतना आपको करना है। अब इसके बाद चूंकि आपको हस्ताक्षर भी करवाना पड़ता है हार्ड कॉपी में, तो आप यहाँ तिमाही प्रगति रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ सबमिटेड रिपोर्ट, देखिए नीचे से दूसरा प्रविष्ट की गई रिपोर्ट में आप जाएंगे। अब देखिए जब आप इसमें सबमिटेड रिपोर्ट में आप जाएंगे, तो यहाँ पूछता है रिपोर्ट का चयन करें, भाग एक या भाग दो, तो क्यूपीआर पार्ट वन का हम सिलेक्शन किए। और इसके बाद देखिए यहाँ आपके कार्यालय का कोड ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए ये कोड आपको इसमें पेस्ट करना है या फिर टाइप करना है। देखिए ये कार्यालय कोड मांग रहा है, यहाँ हमने ये कार्यालय का कोड अपना डाल दिया। डालने के बाद रिपोर्ट देखे पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारे कार्यालय के जितने रिपोर्ट हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो अंतिम हमने 31 मार्च को भेजा था एट DOL, मतलब DOL को भेजा है। अगर हमने इसको विभाग अध्यक्ष को भेजा होता तो एट HOD लिखा रहता है। अब इसमें देखिए पहला वाला जो है समीक्षा रिपोर्ट, दूसरा वाला है आपकी रिपोर्ट। तो जो आपकी रिपोर्ट है आप यहाँ से डाउनलोड करें, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करते ही ये डाउनलोड होने लगेगा। और आप जैसे ही रिपोर्ट जमा कर देते हैं ना, वैसे ही आपका ये समीक्षा रिपोर्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा स्लो है, देख लेते हैं, अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद जो उसमें सारा विवरण रहता है, आप उस पर यथारूप हस्ताक्षर करवा के अग्रेषित कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका, विभाग अध्यक्ष के पास गया हुआ है, तो उनसे भी आपको हस्ताक्षर लेना है। फिर से हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। लॉग आउट करते हैं, यहाँ देखिए लॉग आउट पे गए, इसको बंद किए इस विंडो को। फिर से प्रयोगकर्ता आईडी, यूजर आईडी जो है वो आप इसमें डालेंगे, ये आपके HOD का, ये HOD का मैंने डाला, अग्रेसित किया। ये कई बार HOD के पास रहता है, कई बार हिंदी अधिकारी के पास ही रहता है, हार्ड कॉपी HOD देख के प्रमाणित करके हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर वही हम आगे बढ़ाते हैं। ये पासवर्ड देने के बाद अग्रेसित करें। अब देखिए यहाँ आप आएंगे तो ये सब जो पुराने रिपोर्ट हैं वो सब इसमें दिखा रहे हैं कौन कौन सा है। आपको करना क्या है कि आपको जाना है तिमाही प्रगति रिपोर्ट में, तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग एक चूंकि भरा गया है, इसको सत्यापित करें, पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए सत्यापन विधि में कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ होती तो फिर जैसे आप हिंदी ऑफिसर के आईडी से किए थे, वैसे यहाँ आगे आगे करते जाइए। कुछ गलती है तो वापस भेज सकते हैं, नहीं तो फिर वो जो कोड मैंने आपको दिखाया था, कोड भरें और कोड भर करके DOL को भेज दें, बस। अब अगर मान लीजिए प्रमाण पत्र आपके हिंदी ऑफिसर के आईडी से नहीं अपलोड हुआ, तो यहाँ देखिए प्रमाण पत्र अपलोड करें हैं, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब हम चौथे में चलते हैं, एकदम लास्ट में, हमने भरा नहीं है, तो ये 21-22 जनवरी मार्च का दिखा रहा है। सेम ऐसे ही प्रमाण पत्र अपलोड करें पे क्लिक करेंगे, और फिर जो आएगा कॉलम या जो पेज आएगा उसमें हम यहाँ चूज फाइल से लेकर के और ये अपलोड तक इसमें करके अपलोड कर देंगे और इसको भेज देंगे। बस इतना ही आपको करना है, आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाएगी। लॉग आउट कर दीजिए, आपकी समीक्षा रिपोर्ट जैसे ही जमा करेंगे तैयार हो जाएगी, और इस तरह से ये तिमाही प्रगति रिपोर्ट आपकी पूरी